तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पिवट टेबल के लिए। जैसे कि मेरे पास एक डेटा है और मैंने इस फाइल को मान लीजिए सेव कर दिया है, मैं इस फाइल को एक लोकेशन से डेटा के नाम से एक लोकेशन में मैं सेव कर दूंगा, मान लीजिए डाउनलोड में सेव कर दूंगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझ जाइए कि मैंने इस पर पिवट लगाया, पिवट लगाया, ओके कर दिया और मेरा पिवट वर्क भी कर रहा है जैसे कि हमने कल आपको समझाया। बट डेटा में कुछ चेंज करता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैं डेटा मैंने यहाँ पे क्या रख रखा है, मैंने यहाँ पे एमआरपी रख रखा है और मान लीजिए मैंने एमआरपी में कोई भी चेंजिंग कर दी है तो पिवट को रिफ्रेश करेंगे तब जाके चेंज होगा। ओके चेंज हुआ, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं डेटा में कि रिफ्रेश विद द ओपनिंग फाइल, राइट सर? ओके, देखिए अपने आप चेंज होते हैं, अपने आप रिफ्रेश नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे एक दिक्कत और आती है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक नया डेटा ऐड किया, मैंने यहाँ पे क्या देखा तो मैंने यहाँ पे डाल दिया आर एन बी, ठीक है, डाल दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो यहां पे मेरा आर एन बी नहीं आ रहा, ना आने के पीछे रीजन क्या है सर? रीजन डेटा ऐड किया, हमने जो पिवट लगाया था तो पिवट 504 रो तक था, हमने 505 को ऐड किया, ये बात को पता नहीं है। तो मुझे डेटा को दोबारा से रीसेलेक्ट करना पड़ेगा, कहां से? एनालाइज के अंदर चेंज डेटा सोर्स और फिर से डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद यहां पे देखिए आरएनडी आए। अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरह का पिवट है जो एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे डेटा को ऐड करता है, वहां पे तो दिक्कत होगी। मान लीजिए आपने डैशबोर्ड बना लिया, आपने एक रिपोर्ट ऑटोमेट कर लिया, बट आपको जब भी डेटा अपडेट करते हैं, जैसे आपने 5 पिवट लगाया हुआ था, 5 पिवट का डेटा रीसेलेक्ट करना पड़ेगा, ये क्रिटिकल जॉब हो गया ना सर? हेलो, हाँ हाँ सही है जी। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो हालांकि इसका 2-3 सॉल्यूशन है। पहले सॉल्यूशन देख लीजिए कि डेटा को आप टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर, पिवट टेबल, पिवट टेबल है सर, टेबल, टेबल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, यहां पे जब नीचे मारे हैं तो अब जब कुछ एंट्री करेंगे तो पिवट अपने आप जो है, सॉरी टेबल जो अपने आप उसको अपने अंदर ले लेगा। मैंने यहाँ पे आरएनडी की जगह पे ये कर रखा हूँ सेल्स, सेल्स कर दिया। अब जैसे मैं अपना यहाँ पे पिवट लगा होगा, इंसर्ट करता हूँ, अब जो पिवट जो है टेबल वन को ले रहा है, ये जो पूरे एरिया को टेबल वन मान लिया, समझे? आ गया ना? तो अब मैं यहाँ कुछ भी एंट्री करूंगा, जैसे मान लीजिए एक नया एंट्री और करता हूँ, यहां पे मैं ये कर देता हूं टीआर, अब मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा यहां पे देखिए टीआरजी आ जाएगा। लेकिन इस टेबल में करने पे भी प्रॉब्लम है क्योंकि आप टाइप कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब एक बड़ा डेटा कॉपी पेस्ट करेंगे ना तो फिर टेबल को यहां से मैनुअली इंक्रीज करना पड़ेगा, बात समझे? Okay. तो नहीं होगा प्रॉब्लम, जैसा कि ऐसा मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व तो करता है लेकिन उस हद तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, 100% इसको नहीं कर सकते, समझ गए सर? अच्छा इसको कन्वर्ट, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा एक तरीका है कि इसको हम एक्सटर्नल वे में ले लें। कैसे? हम एक नई पे जाएंगे, इंसर्ट,
pivot table, choose external data source, choose connections, browse for more. और इसी में हमारे पास डाउनलोड में था ना, डाउनलोड में डेटा ओपन सीट हमारा डेटा है, हमने सीट डेटा शीट को सिलेक्ट कर. अब यहां पे एलिस्ट्री डाल दीजिए और यहां पे क्वांटिटी का टोटल, राइट. अब डेटा में मैं कुछ भी चेंज करूंगा, जैसे मैंने चेंज किया यहां पे टीआरसी की जगह पे मैं मान लीजिए कि एडमिन डाल दूंगा. जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे यहां पे ऑटोमेटिक एंट्री आ गया. लेकिन इसकी भी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि कॉलम अगर अपडेट होता है, जैसे मान लीजिए से यहां पे मान लीजिए मैंने मंथ डाल दिया, मंथ जनवरी, तो यहां आप रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहां पे मंथ का कॉलम नहीं है, नहीं है. तो मंथ का कॉलम आपका नहीं है, तो रो इसमें जितना मर्जी आ जाए कोई दिक्कत नहीं. और दूसरी चीज, एक चलेगा एक पर्टिकुलर पीसी पे, बात समझे. ओके, एक्सटर्नल की बेनिफिट क्या हुआ, किस तरह से कर ले. दूसरा बेनिफिट इसका ये होता है कि किसी और फाइल से भी, जरूरी नहीं कि डेटा फाइल ही हो, किसी भी फाइल से आप ले सकते हैं, उस फाइल को खोलने की जरूरत नहीं, बात समझे. जैसे डेटा पी ले लिया ना हमने यहाँ पे डेटा पी, अब मेरा जो डेटा है वो तो कहां पर है, डेटा पी डॉक्यूमेंट के अंदर, और डाउनलोड की जो फाइल है डेटा उसमें हमने इसमें पिवट बनाया. यही नहीं, अगर आपके पास कोई इसका एसक्यूएल सर्वर हो, चाहे एक्सेस हो, सारे से कनेक्ट कर सकते, एक्सेस डेटाबेस आपका है चाहिए, एक्सेस डेटाबेस आप सेलेक्ट कर लीजिए और पिवट लगा, एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है या कोई और चीज है, तो यहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं. आप ट्राई कीजिएगा क्योंकि मेरे पास एसक्यूएल फिलहाल नहीं है. ओके, तो अदर सोर्सेस से भी ले सकते हैं, या फिर पूरी फाइल की पाथ यहां डाल दीजिए, वो ऑटोमेटिक आपका कर देगा. ठीक है, तो इसका बेनिफिट हुआ कि अदर फाइल अदर सॉफ्टवेयर डेटाबेस से हम एक्सटर्नल पिवट टेबल से डेटा ले सकते हैं. दूसरा बेनिफिट है कि आप यहाँ डेटा मेनू बार में आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है क्यूरी कनेक्शन दिखेगा. क्यूरी एंड कनेक्शंस पे आएंगे, यहाँ जो पिवट टेबल आपने कनेक्ट कर रखा है डेटा पी दिख रहा है ना, हाँ जी, इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आइए. यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि भाई एक मिनट, हर एक मिनट में मेरा फाइल ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो. ओके, इसमें रिफ्रेश करने का झंझट खत्म. हाँ जी, एक मिनट में अब ये इसको चेक कर. ठीक है, एक्सटर्नल पिवट टेबल समझ में आ गया. हाँ जी, ठीक है. एक्सटर्नल पिवट टेबल की एक और खासियत होती है कि अगर आपका ये यहाँ पे कोई कॉलम का हेडिंग ब्लैंक है, फिर भी वो पिवट लग जाता है, उसको फील्ड वन फील्ड टू का नाम दे देता है. ओके, देखिए इसकी प्रॉब्लम समझ लीजिए, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी इसी फाइल पे चले, किसी और फाइल पे हमारा एक्सटर्नल पिवट टेबल नहीं चले. इसका क्या मतलब है, आप मुझे जैसे इसी फाइल में चलेगा, इसी फाइल में नहीं, इसी कंप्यूटर पे, मतलब कि इसी पीसी पे चलेगा. ओके ओके, पीसी पे चलने के पीछे रीजन ये है क्योंकि आपने पिवट और डेफिनेशन में जाइए पाथ दिख रहा है. ओके ठीक है जी, ये पाथ तो आपके पास नहीं होगा ना. हाँ जी, हाँ जी, ओके, समझ गए. तो ये चलेगा, लेकिन क्योंकि मेरा इंटेंशन मान लीजिए, एक तो हुआ कि एक इंटेंशन ये होता है कि भाई डेटा हमारा किसी और फोल्डर में पड़ा हुआ है, किसी और फाइल में पड़ा हुआ है, किसी और सॉफ्टवेयर में पड़ा हुआ है, तो चलिए वहां से हमने पिवट लगा लिया. ये तो दूसरा जो मैंने सीट थ्री में बताया आपको कि डेटा भी से कर लिया, लेकिन जो यहाँ सीट टू पे लगाया वो तो सेम डेटा पे लगा हुआ, इसी फाइल पे लगा हुआ है. हाँ जी, इसमें हमने क्यों लगाया हुआ है,
रीजन क्या लगाने का कि मेरा डेटा, बात समझे, मुझे बार बार री पिवट का या सोर्स में जाके बार बार सोर्स अपग्रेड करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए लगाया था ना सर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सही है। तो अब प्रॉब्लम आ गई कि इसमें दो प्रॉब्लम है, एक है कि मेरा ये फाइल इसी पीसी पे चलेगा क्योंकि इस फाइल का पाथ है हमने दिया हुआ है, और पाथ हमारे पीसी का है, इस और पीस में जाएगा तो फिर उसके हिसाब से पाथ देकर दोबारा पिवट लगाना पड़ेगा। सही है, ओके। रीजन है कि हम कॉलम ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ऐड नहीं होगा, मुझे वापस चेंज करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल पिवट टेबल के माध्यम से हम पिवट तभी लगाएंगे जब मेरा डेटा में सिर्फ रो अपग्रेड हो रहा है और मुझे उसी पीसी पे चलाना है, किसी और पीसी पे नहीं चलाना है। ओके, लेकिन किसी और पीसी में चलाना है तब क्या करें? उसके लिए एक सोल्यूशन है, उसके लिए आपको लगाना होगा एक फॉर्मूला। फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला का नाम है ऑफसेट। क्या नाम है? ऑफसेट। ऑफसेट में आपको स्टार्टिंग होगा डेटा देना होगा कि मेरा डेटा का स्टार्टिंग क्या है, A1। रो हमने बोल दिया जीरो, हमने कॉलम बोल दिया जीरो, और मैंने हाइट, हमने हाइट के लिए यहां पे लगाया फॉर्मूला काउंट ए इसका हाइट, और इसका विड्थ के लिए भी हमने काउंट ए लगाया, और काउंट ए में इसका विड्थ दे दिया। यहां पे आर एफ रेफरेंस आ रहा है, कोई बात नहीं। इस फॉर्मूले को हमें कॉपी करना है और जाना है डिफाइन नेम, कहां पे फॉर्मूला मेनू बार में डिफाइन नेम, और यहां पे इसका नाम देना है डेटा, और यहां पे इस फॉर्मूले, उसको फॉर्मूले को जो हमने कॉपी किया है ना उसको पेस्ट करके ओके कर। लेकिन ओके करने से पहले A1 को फ्रीज कर देंगे, कॉलम A को फ्रीज कर देंगे, एंड रो 1 को फ्रीज कर देंगे। एक बार मैनेज रूम में देख लीजिए कि ये आपका सही है। अब मुझे कहीं भी पिवट लगाना है तो हम यहाँ इंसर्ट पिवट टेबल, और इसमें दे देंगे डेटा इक्वल इक्वल डेटा। यहां पर दिक्कत है, तो फॉर्मूला परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो हाँ, काउंट ए देना पड़ेगा। अब सही, आप डेटा सिलेक्ट कर लिया ना सर, लगा दिया था काउंट ए देना था, छोटी सी मिस्टेक थी। आप देखिए पिवट टेबल, और यहाँ पे लग गया मंथ वाइज क्वांटिटी। अब यहाँ पे कोई भी कॉलम बढ़ता है, जैसे मैंने अगर मैंने मान लीजिए कोई कॉलम बढ़ा दिया, मैं मंथ की जगह पे यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, नेम। अब यहाँ पिवट में एक बार रिफ्रेश किया, नेम भी आ गया, आ गया सर। हाँ जी, हाँ जी, फॉर्मूला तो समझ में नहीं आया होगा आपको। नहीं अभी तो नहीं, बट आई विल, मैं अभी देख लूंगा इसको, आपने ये कैसे लगाया है समझा देता हूँ। देखिए ऑफसेट फॉर्मूला का काम क्या है, ऑफसेट फॉर्मूला का काम है रेफरेंस बनाना, मतलब कि एड्रेस बनाना।
जैसे हमने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला ऑफसेट, मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे जीरो रो एंड जीरो कॉलम दिया, सो वन टू थ्री भी कर सकते हैं। यहाँ हाइट में मान लीजिए मैंने 3 दे दिया और विड्थ में 2 दे दिया, पता क्या होगा यहां से क्या होगा कि L2 से लेके हमने हाइट कितना दिया और 3, L2 से लेके L3 तक रहेगा, L1 से L3 और M3 तक, मतलब यहां से वो 3 रो पकड़ेगा 3 और 2 कॉलम पकड़ेगा। अब इसको देखना है, इसको देखना है तो आप इसको सम में खींचिए, आप यहां पे पकड़िए फॉर्मूला एवलेट कीजिएगा पता चल जाएगा। इसने क्या किया कि L1 से 3 रो एंड 2 कॉलम ले लिया, 3 रो 2 कॉलम क्या आ गया L1 से M3, L1 से M3, समझे? ठीक है। इसी तरह से हमने इस फॉर्मूले को एक काम करता हूँ काउंट ए लगाता हूँ यहाँ पे और इसको सम में डालता हूँ, सम में डालने से आपको पता चलेगा इसने क्या किया, काउंट ए ने काउंट करके बताया कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कॉलम ए में कितने हैं, और फिर काउंट ए वन बाय वन बताया कि वन रो में बताया कि नंबर ऑफ हेडिंग कितने हैं। तो इसने क्या किया ऑब्जेक्ट ने ए वन से 508 रो और 13 कॉलम को पकड़ के इसने रेफरेंस बना दिया ए वन से एम जीरो एट। ओके, पिवट को यही चाहिए, पिवट में हम यही लिखते हैं ना सर, पिवट टेबल जो हम लगाते हैं उसमें यही लिखते हैं हम। तो अब प्रॉब्लम है कि हम डायरेक्ट ऑफसेट फॉर्मूला, ऑफसेट का फॉर्मूला है हम पिवट टेबल में नहीं लिख सकते। पिवट टेबल कहता है कि मुझे खाए तो रेफरेंस दो, टेबल दो या फिर किसी तरह का डिफाइन नेम दो। तो हमने एक डिफाइन नेम किया और सेम फॉर्मूला को हमने यहां पर डाल दिया, क्योंकि फॉर्मूला एड्रेस बनाता है और ऑफसेट का फॉर्मूला किसी भी तरह का फॉर्मूला पिवट टेबल एक्सेप्ट नहीं करता, बट डिफाइन नेम एक्सेप्ट करता है और डिफाइन नेम फॉर्मूला एक्सेप्ट करता है। तो फॉर्मूला आपने डिफाइन नेम को दे दिया, डिफाइन नेम फॉर्मूला कैलकुलेट करके एड्रेस बनाएगा, वो एड्रेस पिवट टेबल को दे दिया। और जब भी डेटा में चेंजिंग होगी जब रिफ्रेश करेगा तो आपका जो ऑफसेट जो है आपका रिजल्ट चेंज करेगा, जो ऑफसेट अपना रिजल्ट चेंज करेगा तो आपका डिफाइन नेम अपना रिजल्ट चेंज करेगा, जो डिफाइन नेम रिजल्ट चेंज करेगा तो पिवट को जाहिर सी बात है चेंज करना ही होगा। समझ गए जी। और एक चीज ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है उस डेटा डैशबोर्ड पे जहां आप एक ही डेटा पे कई सारे एंगल से रिपोर्ट बनाते हैं, स्लाइसर के जरिए उसको कनेक्ट करते हैं, और वो डेटा जो आपका होता है वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में चेंज होते रहता है। ओके, समझ गए। अभी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे आपने इसको नेम दे दिया इस पूरे पीवी टेबल को डेटा, तो ये डेटा कहीं पे भी सेव हो बट अगर हम इसको किसी दूसरी मशीन पे चलाना चाहें इट विल वर्क राइट? नहीं, दूसरी मशीन, हाँ दूसरी मशीन पे चलेगा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे आप मान लीजिए कि आपका जो फाइल है ना इसी फाइल में चलेगा। ओके, नहीं अगर यही फाइल मैंने अपने कंपनी के शेयर ड्राइव में डाल दी, हाँ चलेगा, नहीं चलता है तब जब मैं बाहर से पूछ लेता हूँ। इसमें हमने बाहर से कुछ तो लिया ही नहीं है, ठीक है, बाहर मींस लाइक जैसे थ्रू अ डेटा फाइल से बाहर से हमने इस फाइल के बाहर तो नहीं गया है ना? नहीं नहीं गए, दिया है ना, चलेगा इसी सिस्टम। ओके ओके, और कोई डाउट है? नहीं ठीक है, इट्स फाइन। ठीक है, तो कल मिलते हैं 12 बजे, 12:30 ठीक है जी, बीवी एक क्लास, ठीक है। ओके जी, ओके, तब तक आप रिकॉर्ड हाँ जी रीड कर लीजिए। ओके, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सर, ओके, चीयर्स, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।
अभी सर ये अपने आप ही हो जाएगा ना रिकॉर्ड?